तो गाइस अपन ने रूम खाली कर दिया है वहाँ से, चेकआउट कर गए वहाँ से। और गाइस अब अपन चल रहे हैं हाईवे पर आ गए, ये हाईवे देख रहे होंगे आप यहाँ से जा रहा है। तो गाइस ये तो आ रही है जोधपुर से और ये जा रहा है गाइस क्या बोलते हैं माउंट आबू, गुरु शिखर की चोटी पे चढ़ने वाले हैं अपन कल। अभी तो फिलहाल में अपन यहाँ से उदयपुर से निकल गए, यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है माउंट आबू, तो अपन वहाँ पर चलेंगे और वहाँ पर उठेंगे आज रात को 8 तक पहुँच जाएंगे। कल सुबह मैं आपको माउंट आबू पे चढ़ाएंगे, कल आपको गुरु शिखर चोटी दिखाऊंगा और काफ़ी मज़ा आएगा गाइस यहाँ पे आइए। और गाइस कल जरूर अपन मिलेंगे और आपको नई नई चीज़ें बताऊंगा, 3-4 जगह घूम के चलेंगे तो काफ़ी इन्जॉयमेंट होगा गाइस। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ब्लॉग को लाइक शेयर और शेयर करना गाइस। और चलते हैं गाइस अपन तापे तो गाइज अभी फिलहाल में अपन माउंट आबू के लिए निकल चुके हैं उदयपुर से, मतलब अपन निकल चुके हैं और अब माउंट आबू के लिए निकल चुके हैं यहाँ से। और अभी हमारे यस भैया यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं, जिनको काफ़ी अच्छा आता है, लाइसेंस पड़ा हुआ है, मेरी मम्मी देख रही होगी पहले क्लियर करके चलूँ। और यहाँ पर हमारे दोनों भाई बैठे हुए हैं, स्टोरी लग रही है भाई माउंट आबू की। और आज रात को अपन पहुँच जाएंगे यहाँ से, 150-200 किलोमीटर दूर है तो यहाँ से फिर अपन कम से कम रात को 9 बजे तक पहुँच पाएंगे। और फिर रात को वहाँ पर रुक कर फिर अपन कल देखेंगे माउंट आबू की गुरु शिखर चोटी, आपने पढ़ा होगा बुकों में, तो आज आप कल आपको दिखा देंगे। तो गाइस काफ़ी इन्जॉय होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चलते हैं गाइस माउंट आबू। तो गाइस अभी फ़िलहाल में मैं उठ गया हूँ और वही कपड़े पहन लिए, शर्ट वही है ना धो लिया गाइस। सुबह यहाँ पर बज रहे अभी 7 बज रहे गाइस, और अभी आपको मैंने रूम दिखाया तो यहीं पे सो रहे थे, मतलब काफ़ी तगड़ी नींद आई रात को, मतलब काफ़ी लेट तक सोए ना, तो थक गया मैं तो बहुत भयंकर तरीके से। अभी तो गाइस नहा धोकर आ गया हूँ बिल्कुल और तैयार है, अभी तो हमारे भाई लोग सो रहे हैं, तो यहाँ से हम 8-9-10 बजे के लगभग फिर अपन यहाँ से अपन चलेंगे कहाँ पे, अपन चलेंगे यहाँ से माउंट आबू, तो आ गए हैं अपन सिरोही में आ गए हैं सॉरी, तो माउंट आबू सिरोही के अंदर है, तो यहाँ से 30-40 किलोमीटर का अंतर है, तो अपन अंदर चलेंगे माउंट आबू, तो वहाँ पर चढ़ाई करेंगे। तो पता नहीं कितना ऊंचा है कितना नहीं है वो आप सभी को बताऊँगा मैं, काफ़ी इन्जॉयमेंट होगा, काफ़ी मज़ा आएगा गाइस। और फिलहाल मैं अभी आपको होटल का व्यू बताता हूँ और आज अपन जयपुर चल सकते हैं, दिखा देखते नहीं देखते। तो गाइस जैसे कि अब मैं आ गया हूँ होटल के बाहर, आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ होटल का, क्या क्या किया हमने सब बताया आपको धीरे धीरे। यहाँ से देखो ये जा रहा है माउंट आबू का रास्ता यहाँ से, और ये हम कल आए थे रात को तो वही रास्ता जा रहा है, टोल टैक्स लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर एक होटल है इसमें रुके हुए थे होटल पायल, और मतलब यहाँ से आए और यहाँ पर अब अपन को चढ़ना है इधर माउंट आबू, और देखते हैं देखा कितनी देर में यहाँ से चाय वाय पी के नाश्ता करके फिर निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि काफ़ी ऊँची चढ़ाई है गुरु शिखर की, आपने देखा है पढ़ा है, तो चलते हैं गाइस थोड़ी देर के अंदर। तो गाइस अभी चाय नाश्ता कर लेते हैं यहाँ पर, चाय बिस्कुट है तो करके, अभी तो धीरे धीरे एक तो आ गया, अब धीरे धीरे आएंगे सभी फिर अपन चलेंगे माउंट आबू, आज काफ़ी सारा घूमना है फिरना है और फिर रात को चलना भी है, तो देखते हैं क्या सीन रहता है। तो गाइस अभी फिलहाल में अपन माउंट आबू के लिए निकल चुके हैं, अभी सिरोही में मतलब सिरोही डिस्ट्रिक्ट में तो आ गए थे रात को ही आपको बताया, और अभी होटल से वहाँ से रूम से अपन निकल चुके हैं माउंट आबू के लिए, तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पर है जहाँ हमारे रूम से, तो यहाँ से हम जल्दी पहुँच जाएंगे, मतलब 9:20 हो रहा है तो हम आधे एक घंटे में पहुँच जाएंगे, और फिर आज अपन करने वाले हैं गुरु शिखर की चढ़ाई, तो गाइस काफ़ी मज़ा आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा काफ़ी इन्जॉयमेंट होगा, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा अपने भाई को और सपोर्ट बनाइए रखिएगा गाइस। तो चलते हैं, और गाइस मैं तो नहा लिया और भैया तो कोई भी नहीं नहाए, सभी ऐसे ही चल रहे हैं तो गाइस चलते हैं माउंट आबू एवरेस्ट।
गाइस अभी फिलहाल में गाड़ी पार्किंग लगा दी है और अभी बाजार में आए हैं अपन। यहाँ का सीन देखिए बहुत तगड़ा आ रहा है। गाइस अभी आपने रूट को देखा तो आज अभी आ चुके हैं अभी माउंटेन एवरेस्ट के ऊपर और काफी बड़ी झील है और अभी अपन चलने वाला है यहाँ से नक्की झील। अक्षय माउंटेन पे है झील जिसमें अपन काफी मजा आने वाला है। अरे नहीं बना को बोला अक्षय कुमार जा। और यहाँ पर देखिए ये यहाँ का मार्केट है बहुत तगड़ा मार्केट है भाई। तो गाइस ये देख सकते हैं पिस्तौल अभी अपन झील पे गए नहीं यहाँ से भी काफी सारी गन्स लगी हुई है ये भी है बहुत तगड़ा सीन है भाई। यहाँ पर देखिए मतलब चलता भी है बहुत अभी तो है नहीं इसमें गोड़िया कत्ते ही तगड़ा माहौल है। कम से कम गाइस इसका प्राइस है 1000 रुपये। यहाँ पर देखिए काफी सारी चीजें है ये देखिए आ चुके हैं नक्की झील। गाइस देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है भाई बहुत तगड़ा। तो गाइस देखिए यहाँ पर काफी सारा सामान है और यह है नक्की झील। देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है यार एक नंबर मजा आने वाला है गाइस बहुत प्यारा। देखो गाइस यहाँ से बोटिंग भी कर सकते हैं अपन। तो गाइस अभी फिलहाल में अपन ने यहाँ पर टिकट ले लिया है बोटिंग के लिए तो 200 रुपये पर कैंडिडेट है और यहाँ से अब जैकेट लेना पड़ेगा जैकेट पहनना पड़ेगा 220 रुपये का जैकेट है किराया। तो यहाँ से जैकेट वैकेट पहनते हैं और फिर बोटिंग करने के लिए डालते हैं। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ तो गाइस काफ़ी एक्साइटेडमेंट है बहुत ज़्यादा। तो गाइस चलते हैं बोटिंग के लिए और टिकट ले लिया है अब चलते हैं गाइस बोटिंग के लिए काफ़ी मज़ा आएगा गाइस बहुत ज़्यादा। ये है नक्की झील आपको पता है सिरोही में माउंट आबू ऊपर। अरे मेरी रह गई। तो गाइस जैकेट पहन लिया है और अभी अपन सभी भाई चलते हैं बोटिंग राइडिंग के लिए। यहाँ पर खड़े हुए हैं सब ओए गाड़ी में। तो गाइस अभी बोटिंग में बैठ चुके हैं और देखिए हमारी हो रही और गाइस एक नंबर किधर की साइड हो गए चलोगे बस रोक दो इधर घुमा इसको चक्कू को इधर कर बीच में कर चल जा घुमा चक्कू चलो गाइस इधर मत आके इधर गाइस एक नंबर तू जरा एक काम कर मैं चलाता गाइस काफी मजा आ रहा है बीच में जा रहा ढंग से एक तरफ जो मिलते थे ना अरे भैया मैं चल रहा हूं नीचे कर क्या रहे हो किधर लेके जा रहा है तू अरे इधर घुमा है ना इधर घुमा उधर मार भैंस की अरे तुम भी यार चलाना ही नहीं आ रही अरे तू मत मार उन भैया को मारने दे सही है अरे मैं रील तो बना दे पहले अरे बना रहा हूं रुक जा। तो गाइस इसमें देखो पेडल का सिस्टम है जिससे हम इसकी ड्राइविंग कर रहे हैं और यहां से स्टीयरिंग गाइस उधर है इसका। और गाइस अभी फिलहाल में काफी एंजॉयमेंट कर रहे हैं देखो गाइस बिल्कुल चिल्ड पानी है यार मतलब मज़ा आ जाएगा नक्की झील का। और यहाँ पर झूला भी है देखो वहाँ पर काफ़ी इन्जॉयमेंट हो रहा है गाइस काफ़ी बेहतरीन मज़ा आ रहा है ज़िंदगी का ऐसा लम्हा जी रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको पूछो ही मत बात स्टीयरिंग संभालने वाले ये रहे। और गाइस हमारी दूसरी वोटिंग वाले भैया वहाँ पर घूम रहे हैं और अभी हम उनके पास ही चल रहे हैं। तो गाइस अभी फिलहाल में वोटिंग कर लेते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइज अभी फ़िलहाल में वोटिंग राइडिंग हो गई है और घर के लिए कुछ सामान लिया है आपको घर पे बताऊँ घर पे क्या कुछ दिवाली के टाइप में लिया है लगाने के लिए। और गाइज अभी फ़िलहाल में यहाँ से अब मतलब निक्की झील है ना नक्की झील कौन सा है ना यहाँ से घूम लिया है अब घूम कर अपना अभी चल रहे हैं माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पर तो मतलब काफ़ी ऊपर चढ़े 17 किलोमीटर है नीचे से तो देखते हैं बहुत मतलब यार रोड इतना खतरनाक था ना बहुत ज़्यादा मतलब गाड़ी चलाते चलाते भाई बहुत भयंकर हालत ख़राब हो जाती है मतलब नाहरगढ़ टाइप में जयपुर में नाहरगढ़ है ना उस टाइप में ही है। तो गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है मनाली वाला फील आ रहा है भाई। तो गाइस चलते हैं अभी फ़िलहाल में यहाँ से देखते हैं माउंट आबू चढ़ना है दिखा तो कितना दूर है आपको बताएंगे और वहाँ का क्या माहौल रहता है वो भी बताएंगे आपको।
तो गाइज आप बड़े रहिएगा और ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा।